नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है कोलकाता निकाय चुनाव से पहले। किस मामले पर, इसकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर अब निकाय चुनाव में जो है चुनाव आयोग ने एक नया नियम लागू कर दिया है, कौन सा वो है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, उस मामले पर बीजेपी नेता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। अब जो है हत्याकांड में 3 महीने बाद बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे टेनी और उनके पुत्र आशीष की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इसको लेकर के अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कोलकाता से खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो है शुभेंदु अधिकारी को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा था और उसको कोरोना के चलते स्थगित किया गया था, उस मामले पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, शाहीन बाग आंदोलन फिर से खड़ा होने वाला है दोस्तों, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में एक बार फिर से कुछ हिंदूवादी संगठनों का लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। यहां पर एक और चर्च में घुस करके हिंदूवादी संगठनों ने जो है क्रिश्चियन लोगों की जो धार्मिक ग्रंथ है उनको जला दिया है, इसकी भी खबर आगे आपको विस्तार से दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, श्रीनगर में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में लगातार गुस्सा लोगों में बढ़ता जा रहा है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में निकाय चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने वाली याचिका जो कि बीजेपी की तरफ से लगाई गई थी, इस पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं, निकाय चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करने वाली याचिका को रद्द कर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इस याचिका को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दायर किया गया था। जस्टिस एल नागेश्वरा राव और बी आर गवई की पीठ ने बीजेपी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से यह बात कही है कि हम केंद्रीय बल की आवश्यकता के संबंध में निर्णय नहीं ले सकते, उच्च न्यायालय स्थिति जानने के लिए बेहतर स्थिति में होगा। तो ये कहीं ना कहीं कोलकाता निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका और ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़ी जीत है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब जो है मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में चुनाव आयोग ने एक नया नियम लागू कर दिया दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम और द्वितीय चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। इसमें उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ ही यह शपथ पत्र देना है कि उस पर कोई शुल्क बकाया नहीं है, यानी कि लाइट का बिल वगैरह बकाया नहीं है, जिसमें विभिन्न तरह के टैक्स के साथ बिजली बिल का जो है नो ड्यूज जरूरी है। जानकारी के मुताबिक किसी भी अगर कैंडिडेट का बिजली बिल वगैरह बकाया होगा तो उसका मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। यह नया कानून जो है मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग ने लागू किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में तिकुनिया के अंदर जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया था, जिसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, इस मामले पर एक और बड़ा खुलासा हो गया है, जिसमें अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा को बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, लखीमपुर हिंसा हत्याकांड में 3 महीने बाद बड़ा बदलाव सामने आया दोस्तों। जांच कर रही टीम ने मामले में नई धाराएं बढ़ाते हुए दुर्घटना की जगह सोची समझी हत्या की साजिश बता दिया है दोस्तों। अब तक एसआईटी ने एक्सीडेंटल केस के साथ ही विकल्प के रूप में हत्या की धाराओं के साथ केस दर्ज किया हुआ था। वहीं सोमवार को एसआईटी से जुड़े मुख्य विवेचक विद्याराम दिवाकर ने साफ कर दिया है कि बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि लापरवाही और उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाते हुए मृतकारिक करने की दुर्घटना का मामला नहीं है, यह जानबूझकर और सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इस वजह से इन पर अब जो है मर्डर का केस लगाया जाएगा। आपको हम नोट भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट जिसमें कई धाराओं
नेताओं को जो है और एड किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए शुभेंदु अधिकारी को दी बड़ी राहत। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड के असमय मृत्यु के मामले पर जिस तरह से उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा था, इस मामले पर अब कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को बड़ी राहत मिल गई है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया है, जिसमें बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा कोई कठोर कार्रवाई करने पर रोक लगा दी गई थी। इन मामलों में शुभेंदु अधिकारी के अंगरक्षक की असमय मृत्यु की सीआईडी जांच सहित कुल 5 मामले शामिल हैं। हालांकि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एस बोपन्ना की पीठ ने हाईकोर्ट के मामले के अंतिम निस्तारण में तेजी लाने के लिए भी कह दिया है, जिससे जो है शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर है पश्चिम बंगाल से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, शाहीन बाग विरोध आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो सकता है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में बीते एक साल से चल रहे किसान आंदोलन की सफलता को देखते हुए राज्य का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन शाहीन बाग प्रदर्शन फिर से खड़ा हो सकता है। वहीं दिल्ली पुलिस को शक है कि कुछ लोग प्रदर्शन करने का विचार कर रहे हैं। इस दौरान खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को इस तरह के इनपुट दिए हैं। हालांकि इस इनपुट के बाद जामिया नगर व शाहीन बाग में जहां प्रदर्शन पहले हुए थे उन इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त बढ़ा दिए हैं गए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, कर्नाटक में एक बार फिर से हिंदूवादी संगठनों का तांडव जारी है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, कर्नाटक के कोलार में अपने घर में पूजा कर रहे ईसाइयों पर हिंदूवादियों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगा, उनकी धार्मिक पुस्तकों को जला दिया है। दोस्तों क्या आप अब भी यह कहने के लिए तैयार हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपने अपने मजहबों की पूजा करने की पूरी आजादी है? यह कहते हुए तमाम ट्विटर यूजर और तमाम जो है सोशल एक्टिविस्ट सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका के अंदर लगातार जो है हिंदूवादी संगठनों और हिंदूवादियों का तांडव जारी है। कभी मस्जिद में घुसते हैं तो कभी मदरसे में घुसते हैं तो कभी चर्च में घुस करके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, श्रीनगर में हुए यानी जम्मू कश्मीर में हुए टेररिस्ट अटैक पर जिस तरह से काशी के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जश्न मनाना बंद नहीं किया, उस मामले पर अब लगातार देश में लोगों के बीच उनके प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आप सभी जानते होंगे कल श्रीनगर में एक बड़ा आतंकी हमला था जिसमें जो है 2 हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, 12 घायल हो गए थे। और इस मामले पर काशी में चल रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो एक तरह से हो रहा था, जिस तरह से उसमें भव्य एक तरह से कार्यक्रम हो रहा था, उसमें मोदी जी ने इस कार्यक्रम को कंटिन्यू रखा, उनको किसी तरह के कोई कार्यक्रम को नहीं रोका। इस वजह से उनको लेकर के देश में तमाम लोगों के अंदर गुस्सा है। उनका कहना है कि मोदी जी 2 जवानों के शहीद होने पर भी अपने जश्न को खत्म नहीं कर सकते, तो आप समझ सकते हैं कि देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले लोगों का आखिर का क्या हाल है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।